का मुंह चुप नहीं कर सकते हो। केसीआर आपका और आपके परिवार का भ्रष्टाचारी शासन तेलंगाना की जनता अब जान चुकी है। बड़े पैमाने पर सरकार के फंड का दुरुपयोग हो रहा है। पोल्ट्री चारा घोटाले, इसको आप संभाल कर बैठे हो। आपके इर्द गिर्द के लोग ही इस घोटाले के मुख्य आरोपी है। मित्रों, ये बीआरएस ध्यान बटाने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति बना है, क्योंकि वो ध्यान बटाना चाहते हैं। भैया केसीआर, तेलंगाना में ही आपका काम तमाम होने वाला है, भारत की कहां बात करते हो। इन्होंने प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देखा है, इधर उधर घूमते हैं कि भाई प्रधानमंत्री का बात करेंगे तो मुख्यमंत्री तो बन ही जाओगे। अरे तेलंगाना की जनता सब समझती है, प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। 24 में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। केसीआर, नरेंद्र मोदी, मुझे बताओ चेवेल्ला वालों, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाकर बताओ, बनाओगे? मगर 24 में अगर फुल पिक्चर देखना है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का, तो उसके पहले ट्रेलर आता है तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनाने का। बनाएंगे सरकार? मित्रों, कई सारे प्रोजेक्टों में भ्रष्टाचार की गंगा बहाई है। इन्होंने तेलंगाना को अपने परिवार के लिए एटीएम बना कर रखा है, मगर अब तेलंगाना की जनता जागरूक हो गई है। और मैं तेलंगाना की जनता को कहने चाहता हूं, निर्लज्जता के साथ, कोई शर्म के बगैर ओवैसी के एजेंडे पर एक केसीआर चलते हैं। वो तेलंगाना का स्वतंत्रता दिन भी नहीं मनाते हैं। मुझे बताओ, सरदार पटेल ने तेलंगाना की रचना की, निजाम को भगाया, तेलंगाना स्वतंत्रता दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलिए, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? मैं आपको वादा करते जाता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, हैदराबाद में परेड ग्राउंड में पूरी दुनिया देखे ऐसा तेलंगाना स्वतंत्रता दिन हम मनाएंगे। हम नहीं डरते हैं मजलिस से, मजलिस आपके लिए मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं। तेलंगाना सरकार तेलंगाना के लोगों के लिए चलेगी, ओवैसी के लिए नहीं चलेगी। मित्रों, 2 बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। मित्रों, बीआरएस का चुनाव चिन्ह क्या है भाई, बताओ तो जरा, क्या है? कार है, कार।